नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। बिहार में लगातार श्रमिक स्पेशल ट्रेनें मजदूरों को अलग अलग राज्यों से लेकर के लौट रही हैं। ये मुजफ्फरपुर स्टेशन है, आप देख सकते हैं मुजफ्फरपुर जंक्शन पे जो ट्रेन लग रही है, ये ट्रेन आई है पंजाब के लुधियाना से। आपको पता होगा कि लुधियाना रेड जोन में है। अगर लुधियाना की हम बात करें तो वहाँ पर संक्रमण काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। हम लुधियाना के बारे में और भी आपको बताएंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बात कर रहे हैं मुजफ्फरपुर की। बिहार में ऐसे वक्त में जहां पर एक दिन में 49 प्रवासी मजदूरों में से 44 मजदूर कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, उसी बीच में पंजाब के लुधियाना जो कि रेड जोन है, वहाँ से ट्रेन मुजफ्फरपुर मजदूरों को लेकर के पहुँची है। अब देखिए, स्टेशन पर तो सभी कुछ इंतज़ाम किए गए हैं सरकार की तरफ से, कोई भी कोताही ना हो, सभी मजदूरों की सही से जांच हो, इस चीज़ को लेकर के पूरी सतर्कता बरती जा रही है। लेकिन वो सभी सतर्कता तब फेल हो जाती है जब सिर्फ स्क्रीनिंग के बाद ही इन मजदूरों को क्वारंटाइन में भेज दिया जाता है। आप सुनिए कि वहाँ से लौटे मजदूर क्या कुछ कह रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? लुधियाना से। क्या दिक्कत हुआ जो आना पड़ा? लुधियाना में खाने पीने का दिक्कत है, वहाँ चलते रहिए। खाने उने का बहुत अच्छा, 2 महीना से बैठ कर हम लोग। अभी ट्रेन में टिकट लिया गया क्या? टिकट तो उधर से दिया था। नीतीश सरकार को लेकर नीतीश सरकार। क्या वहाँ पे दिक्कत था जो आना पड़ा? वहाँ पे लॉकडाउन की वजह से खाने के लिए बहुत परेशानी हो रही। ओहो, तो वहाँ सरकार मदद की ही नहीं? वहाँ मदद की। पंजाब अभी ट्रेन में टिकट लिया गया है क्या? नहीं, टिकट नहीं लिया गया। किस सरकार ने लिया है? वहाँ की सरकार ने लिया है ना? बिहार में क्या कहेंगे, अभी आ गए हैं तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ओहो, नीतीश कुमार को लेकर? नीतीश कुमार को लेकर तो हालांकि उतना ठीक नहीं है, तो ठीक है। कहाँ के रहने वाले हैं? पंजाब से आ रहे। पंजाब से। क्या क्या कठिनाई था वहाँ पर? वहाँ मजदूरी करते थे। क्या दिक्कत आ गया था जाना? वहाँ खाने के लिए नहीं था कुछ उतना, और लॉकबंदी था, कमाई वमाई नहीं हो रहा था। किराया लिया गया? क्या किराया नहीं लिया गया? कौन दिया किराया? और किराया नहीं लिया गया है। कौन सरकार दिया है? पंजाब सरकार दिया है। ओहो, नीतीश कुमार को लेकर क्या कहेंगे? नीतीश कुमार जी ही बुलाए हैं तो दिया है वो सरकार। क्या कहाँ काम करते थे? हम पंजाब में रहने वाले हैं, मेरा घर वहाँ ही पड़ता है। हम लोग का खाने पीने का दिक्कत होता था, मालिक फ्री नहीं देते, घर निकाल दिया। हम लोग नीतीश कुमार से जुगाड़ किए तो हम लोग का फ्री में टिकट दिया, सब चीज़ दिया, तो हम लोग यहाँ तक पहुँचे। क्या परिचय हुआ? परिचय मेरा अनिल कुमार हुआ, घर वही हुआ। तो आपने सुन लिया, रेड जोन लुधियाना से श्रमिकों को लेकर के मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पहुंची है। करीब 1200 से ज़्यादा प्रवासी बिहारी मजदूर, उनकी स्क्रीनिंग कर सैनिटाइज किया गया, उनको खाना दिया गया, फिर उनके अनुमंडल और उनके जगहों पर उनको भेजने का इंतज़ाम किया गया। अगर हम बात करें लुधियाना की, तो लुधियाना का चार्ट आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। रेड जोन है, 125 केसेस कन्फर्म मिले हैं, जिसमें कि 111 एक्टिव हैं और 8 रिकवर हुए हैं, जिसमें कि 6 की मौत हो चुकी है। आप सोचिए कि कितना बड़ा अनुपात है, 629 में 5 लोगों की मौत, ये बिहार का आंकड़ा है। 125 में 6 लोगों की मौत, ये लुधियाना का आंकड़ा है। तो कहीं ना कहीं रेड जोन अब वहाँ पर क्यों रखा गया, आप समझ गए होंगे। वहाँ से ट्रेन आई है, देखने वाली बात। जिस तरह से आंकड़े मिल रहे हैं कि प्रवासी मजदूरों में कोरोना का संक्रमण देखने को मिल रहा है, इनमें भी कोई ऐसे बात आती है कि नहीं आती है। आप लाइव सीरीज साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। विस्तार से खबरों पढ़ने के लिए लाइव सीरीज.in पर जाएं। धन्यवाद।